No manifesto for the BJP for Delhi elections, but they're releasing a vision document for Delhi. Let's cut across live. हमारे केंद्रीय मंत्री पूर्व में अध्यक्ष रहे डॉक्टर हर्षवर्धन जिनके नेतृत्व में ये एक कमेटी बनी थी ये कमेटी बनी थी जस्ट वेट फॉर फाइव मिनट्स ये कमेटी बनी थी और जिस कमेटी में डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा प्रोफेसर रजनी अभी विजय गोयल आरती मेहरा जी काफी सारे लोग जो कमेटी में थे उन्होंने अपना योगदान दिया है और विशेषकर प्रोफेसर राजवीर शर्मा जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट बनाने में बहुत अपना योगदान दिया है आज इसका रिलीज और लोकार्पण हम आपके संदर्भ में कर रहे हैं आप प्लीज फोटोग्राफर से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अब आप नीचे बैठ जाइए लेट अस कंटिन्यू प्लीज अब आप फोटोग्राफर से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज नीचे बैठ के ले लीजिए आप ले लो मित्रों आज का ये विजन डॉक्यूमेंट 2015 जिसका रिलीज जिसका लोकार्पण जिसकी सब्जेक्ट मटेरियल जिसकी विषय वस्तु अभी हमने आपको दी है 7 फरवरी 2015 का विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से दिल्ली के लिए दिल्ली वासियों के लिए दिल्ली के भविष्य के लिए दिल्ली की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली का यह चुनाव निश्चित रूप से तय करेगा कि दिल्ली की दशा क्या होगी दिल्ली का विजन क्या होगा दिल्ली कौन सा मार्ग चुनेगी दिल्ली किस प्रकार का रास्ता तय करेगी दिल्ली में अब विकास की राजनीति होगी दिल्ली में डेवलपमेंट की राजनीति होगी दिल्ली में गुड गवर्नेंस की राजनीति होगी दिल्ली में ट्रांसपेरेंसी की राजनीति होगी या दिल्ली में डॉट 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 इस तरह की राजनीति होगी ये राजनीति क्या वो डेवलपमेंट की है क्या वो विकास की है क्या वो दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की है क्या दिल्ली के मन में जो लोगों का सपना है दिल्ली के लोग एक सपने को लेकर के कि दिल्ली कैसी होनी चाहिए इसको लेकर के दिल्ली के मन में एक सपना है और भारतीय जनता पार्टी ने इस सपने को साकार करने का काम
दिल्ली के मन के लोगों की आकांक्षाओं को, दिल्ली के लोगों की भावनाओं को, दिल्ली के लोगों के मन में जो एक पिक्चर है, जो एक तस्वीर है, उस तस्वीर को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का संकल्प लिया है। दिल्ली में अगर इस संकल्प को हम पूरा करना चाहें, इसको वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाना चाहें, दिल्ली को हम एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहें, तो वास्तव में व्यवहारिकता में मूलभूत रूप से एक तो दिल्ली की मूलभूत समस्याएं हैं। ये समस्याएं दिल्ली में बिजली की प्रॉब्लम, दिल्ली में बिजली से रिलेटेड इश्यूज हैं, दिल्ली में किस प्रकार से 24/7 लोगों को बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले, ये हमारा कॉज ऑफ कंसर्न है। और केवल बिजली मिले ही ना, बिजली के साथ साथ दिल्ली अगर हमको वर्ल्ड क्लास सिटी बनानी है तो कंप्लीट रिवैम्पिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हेन वी से इंफ्रास्ट्रक्चर मींस जो दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सिटीज में हम देखते हैं बाहर हमको साफ दिखाई देते हैं, कंप्लीट ऑगमेंटेशन होने की जरूरत है। और तब दिल्ली का ये मूलभूत जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ठीक होगा। दिल्ली में पानी की प्रॉब्लम है, 24/7 पानी किस तरह से लोगों को मिले, हर झुग्गी झोंपड़ी से लेकर मध्यम वर्ग से लेकर हर वर्ग को हर घर में पानी पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। और इसको पहुंचाने के लिए जो हमको करना है वो काम भारतीय जनता पार्टी ने सरकार आने से पहले दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे वो बिजली हो और चाहे पानी हो, केंद्र सरकार ने पानी के लिए 500 करोड़ का जो बजट एलोकेशन किया है, जिसमें ऑगमेंटेशन ऑफ सारी की सारी जो सिस्टम है उन सिस्टम को सुधारने की बात की है, 200 करोड़ रुपया बिजली के लिए ऑलरेडी बजट में किया था, केंद्र सरकार ने 7700 करोड़ से ऊपर का पैसा इस बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए दिल्ली में किया है। दिल्ली की मूलभूत समस्या है हॉस्पिटल्स, जो वास्तव में दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल ईमानदारी से बीमार है, आईसीयू में है, उनको ठीक करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट में लिया है। दिल्ली के अंदर जो ई गवर्नेंस है, ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार से आए, इसको करने का जो इश्यूज है वो भी हमने इसमें लिए हैं। दिल्ली किस तरह से, दिल्ली की आबो हवा, दिल्ली का पर्यावरण किस तरह से ठीक हो, लोग स्वच्छ वायु ले सके, लोगों को ऑक्सीजन ठीक मिले, दिल्ली की यमुना किस तरह से ठीक हो, वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से बढ़े, इसको हमने इसमें बात की है। दिल्ली की जो वाटर बॉडीज हैं उनको ठीक करने की बात हमने की है। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, चाहे वो पार्किंग की बड़ी एक नीति बनाने की बात हो, पार्किंग के लिए माइक्रो डिटेलिंग की बात हो, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इंटीग्रेटेड करने की बात हो, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्मार्ट कार्ड सिस्टम जो पूरे वर्ल्ड में चलता है उसको बनाने की बात हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मूलभूत समस्याओं को, बिजली, पानी, आवास, लगभग 1,00,000 मकान मध्यम वर्गीय परिवारों को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देगी, ऐसा विजन डॉक्यूमेंट में हमने कहा है। जहां पर गरीब लोग रहते हैं, जहां पर मजदूर लोग रहते हैं, जहां पर झुग्गी वही मकान, और केवल वही मकान नहीं, ये केवल एक नारा नहीं है जो वर्षों से देश में लगता रहा, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। उन झुग्गी झोपड़ी में मकान बना करके उनको सुविधा दे करके उनके लिए बिजली की समस्या का निदान करना, वहां पानी की समस्या उनका निदान करना, अच्छे शौचालय वहां पर बनाना, वहां पर कुछ स्किल सेंटर खोलना, कुछ वहां पर बस्ती विकास केंद्र खोलना, वहां की गलियां, वहां की सभी चीजों को एक नशा मुक्ति सेंटर वहां पर बनाना, जिस तरह के काम हम कर सकते हैं ये आवास के क्षेत्र में हम करेंगे। ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली करप्शन फ्री, किस तरह से सरकार चले, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं इसमें हमने की है। इसके बारे में बहुत लंबा मैं और कहना भी चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं जिसको माननीय किरण बेदी जी अपने एक्सप्लेनेशन में आपको बताएंगे। इसी के साथ जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारा ढांचा है, दिल्ली में पूर्वांचल के लोग आते हैं, दिल्ली में पूर्वोत्तर के लोग आते हैं, दिल्ली में अल्पसंख्यक समाज रहता है, दिल्ली के अंदर तमाम पूरे देश से जो हमारी मिनी कैपिटल है, पूरे भारत से जो लोग आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान, उनके लिए सब तरह के इंतजाम करना, किस तरीके से उन सबको दिल्ली के अंदर समाना,
जो दिल्ली को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, हमारे सारे के सारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, सारा का सारा हमारा दलित समाज, सारा का सारा समुदाय, सबके वेलफेयर की बात हमने इसमें की है। और अंत में चूंकि ये विषय बहुत लंबा है और इसको किरण बेदी जी ने लेना है, दिल्ली किस प्रकार से एक स्मार्ट सिटी बने, दिल्ली किस प्रकार से, क्योंकि दिल्ली में कारखाने आप नहीं खोल सकते हैं, दिल्ली किस प्रकार से एक नॉलेज का हब बने, दिल्ली किस प्रकार से एक स्किल का हब बने, दिल्ली के युवाओं को इस प्रकार के इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से अवसर मिले कि जो पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर दिल्ली नॉलेज के बेस पर सब लोगों को अपना एक अच्छा एक विजन और अच्छा एक काम करने का एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। दिल्ली किस तरह से टूरिज्म बहुत ज्यादा दिल्ली में डेवलप हो जाए, मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए, दिल्ली के अंदर तमाम तरह की जो स्मार्ट सिटी बनने की सारी चीजें हैं उनको लेकर के निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और दिल्ली को हम एक विश्व स्तरीय शहर बना करके, विश्व स्तरीय शहर बना करके और वर्ल्ड कैपिटल बना करके हम दिल्ली को एक शानदार राजधानी बनाएंगे। इस बार हमने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर इस सब चीजों को समाहित किया है। और अंत में किरण बेदी जी बोले, उससे पहले मैं यही कहना चाहता हूं, आओ अब विकास की ओर चलें, भाजपा के साथ चलें, पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास, चलो चलें मोदी जी के साथ। मोदी जी का जो देश में विजन है, मोदी जी ने जिस संस्कृति को लेकर के आए हैं, मोदी जी ने जो एक नया परिवर्तन पूरे देश में, पूरे विश्व में, मोदी जी ने जो भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, दिल्ली वो वहां से दूर नहीं। जो पूरी लहर जिस तरह से चारों राज्यों में चली है, दिल्ली पूरी तरह से मोदी जी के इस विजन को लेकर के चलेगी। मोदी जी के साथ हमारे मुख्यमंत्री जब बनेंगे किरण जी, तो निश्चित रूप से दिल्ली को वो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। इसी आग्रह के साथ मैं किरण जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो अपना दिल्ली 2015 का विजन, दिल्ली कैसी होनी चाहिए, उसके संदर्भ में किरण जी अपनी बात रखेंगे।